सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि Vivo Y19 के डिवाइस पर आ चुका है नवंबर मंथ का न्यू लेटेस्ट अपडेट। इस अपडेट का क्या साइज है, क्या इम्प्रूवमेंट की गई है, क्या नए फीचर्स आए हैं, साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आपके डिवाइस पर फ्रंट टच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट कब आएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले ओल्ड वर्जन की। तो ओल्ड वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.75.1 है और यहाँ पर जो न्यू वर्जन आया है वो आया है 6.75.3 का, और जो इस अपडेट का साइज है वो है 170.23 MB, यानी कि 171 MB का ये अपडेट आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है द न्यू रिलीज ब्रिंग्स यू इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी अपग्रेड नाउ। बेसिकली इस अपडेट में आपका जो इम्प्रूव किया गया है वो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, यानी कि इस अपडेट के करने से आपका सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो और चीज़ें इसमें क्या इम्प्रूव की गई है आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है सिस्टम में इम्प्रूव किया गया है अपडेटेड टू द नवंबर 2021 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर नवंबर मंथ का यहाँ पर गूगल सिक्योरिटी पैच को इम्प्रूव किया गया है, जिससे आपके सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आपका सिस्टम और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर फिक्स किया गया है ब्लूटूथ में फिक्स किया गया है फिक्स द इशू वेयर ब्लूटूथ इज ओकेजनली इनेबल्ड ऑटोमेटिकली इन सम सिनेरियस, यानी कि कई बार होता था कि आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ है ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ऑन हो जाता था, कई बार आप ऑन भी नहीं करते थे तब भी हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर किया गया है, ठीक किया गया है, अब से आपके फ़ोन में जो है ब्लूटूथ अपने आप ऑन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है इस वाले अपडेट में। अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो कुछ ही दिन में मिल जाएगा, एक हफ्ते या फिर 10 से 12 दिन के अंदर आपको ये अपडेट मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने फ़ोन में इस अपडेट को अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट टच ओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट आपके डिवाइस में कब देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वीवो ने जो ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च किया है डिवाइस नेम, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपके Vivo Y19 की डिवाइस में एंड्रॉयड 12 और फ्रंट टच ओएस 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल लिस्ट Vivo की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि Y19, यहाँ पर आप देख सकते हैं Y19 का जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट आएगा वो आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली अप्रैल 2022, यानी कि अप्रैल के 2022 में शुरुआत में ही 2022 में आपके Y19 की डिवाइस पर एंड्रॉयड 12 और फ्रंट टच ओएस 12 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ये है एंड्रॉयड 12 और फ्रंट टच ओएस 12 की न्यूज, और इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट के बारे में बताई दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।